नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जहां पे 363.50 का लेवल चल रहा है, 10.26% की गिरावट है। स्टॉक और कितना गिर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे और गिरावट के पीछे के रीजन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले डिस्कस करते कितना गिरेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्विंग लो वीकली चार्ट के ऊपर दिख रहा है आपको 3 अप्रैल 2020 का और स्विंग हाई है 440 का। तो यहाँ पे आप देखते हैं 23.6% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 350 का आसपास आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कि आज है वो 356 के गया था। दोस्तों ये अभी का रिट्रेसमेंट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों आगे कैसा हुआ था इस स्टॉक के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों स्विंग लो हमारा वही रहेगा, स्विंग हाई हमने कंसिडर किया है जो प्रीवियस हाई था। दोस्तों ये हमारा प्रीवियस हाई था, अभी का हाई हमारा ये है। तो प्रीवियस हाई जब बना था वो 385.9 बना था और उसका 23.6% का रिट्रेसमेंट आता था 309, वो टच करने के बाद दोस्तों स्टॉक यहाँ पे कॉन्सोलेशन चला था और फिर वहाँ से ही दोस्तों काफ़ी अच्छा मूव किया था, अपर फिर नीचे आया था, ये बेस के बनाया था और फिर ऊपर भागा था। तो यानी कि 23.6% के रिट्रेसमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक जो है बेहतरीन सपोर्ट लेवल को माना जा सकता है। दोस्तों अब इससे आगे का दोस्तों देखते कि स्विंग लो हमारा कॉमन रहेगा और स्विंग हाई जो हमारा है वो ये अब बनेगा। स्विंग हाई ये गलत आ चुका है दोस्तों, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि स्विंग लो से स्विंग हाई 23.6% के रिट्रेसमेंट का महत्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा स्विंग हाई है और वहाँ पे भी 23.6% का रिट्रेसमेंट 275 है, उसी को टच करके दोस्तों वापस ऊपर चला गया था। यानी कि हर बार आप देखोगे, हमने 3 बार देखा कि 23.6% का रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। वैसे मेटल इंडेक्स पूरा ऊपर भागा है, तो ये स्टॉक में भी यही हाल है और 23.6% का रिट्रेसमेंट पिछली 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। दोस्तों तो हमने विद प्रूफ आपको बताया कि 23.6% का रिट्रेसमेंट हर बार ये स्टॉक के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गिरावट है वो 350 के आसपास आ सकती है, उससे नीचे अगर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज आए तो फिर निकल जाना चाहिए। और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है। अब गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुआ, गिरावट क्यों आई, तो उसका बहुत ही अच्छा रीज़न है दोस्तों कि आज आप देख सकते हैं कि BSE की साइट के ऊपर इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था कंपनी ने 31.50, उसी का एडजस्टमेंट है। आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर 41.30 का डाउन साइड है, थोड़ा डाउन साइड ज़्यादा है, बट दोस्तों 31.50 तो वो डिविडेंड का ही इम्पैक्ट है। अगर ब्रोकरेज के टारगेट की बात करें तो दोस्तों ब्रोकरेज वेदांता के ऊपर न्यूट्रल है और टारगेट प्राइस दिया है 459 मोतीलाल ओसवाल ने, सिक्योरिटी ने। दोस्तों तो ये ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक है और चार्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको 350 के आसपास एड ऑन करना चाहिए। अगर ग्लोबल सेल ऑफ का भी जो माहौल है अगर वो थम जाएगा तो यहाँ पे यूटर्न आएगा और फिर अच्छे हमें नए लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।